एड़ी भगत जागरण तो वे आया जा मेरा एड़ू डाण्यो काठो मांगा रोंदा मेरा एड़ू तो पड़ो पाखण रोंदा मेरा एड़ू जनी एड़ी बोल सुन आर हम नरसिंह बोला ये जागा दो वे राया मेरा दोदा नारासी लाडी झूठो नी खाना बीराणा बाल की कांगी नी लाण बीराणा बाल की कांगी नी लाण ये पहला जमाना में हम जो है ब्याह बरतियों में ये मांगल सूर सा आज वरनारायण बीज मारो छो बैठे तब यो मांगल लगो छो तब ये हमने बोल सके तब आज शीश श्रृंगार बन छो अच्छा बदू तबार आ चुकी तो अब ये धीरे धीरे ये खत्म हुई धीरे धीरे ये परिवर्तन हो नए जमाने आ नए जमाने अब के ना सुन लंबा री कोल्ड मेरी है के ना सुन नमस्कार, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार एक नई वीडियो में। तो मेरे साथ मेरे ससुर जी हैं और इनके इनको तो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो ये अपने मुखारविंद से अपना जो ज्ञान है आप लोगों को बताएंगे कि किस संस्कृति को ये फॉलो करते हैं। चलिए, अब ऐसा है कि हम देवता नचाने का काम करते हैं, पाठ पूजा में जाते हैं, सब काम करते पाठ पूजा, जैसे आछरी हो गया, आछरी वन देवी, वन देवी भैरव नाग देवता, ये पसलो जितने बोलते हैं हमारे यहाँ भूत बोलते हैं, पौड़ी में दंत्य बोलते हैं, हंत्य बोलते हैं, और ऐसे ही अलग अलग नाम है। तो जो ये पौराणिक रीति रिवाजों से होते आ रहे, जैसे कि हंत्या को नचाते हैं, ये किस प्रेत आत्मा, जैसे प्रेत अल्पाय में कोई मरता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो वो परिवार में जो है किसी को उत्पन्न ले लेता है, आत्मा आती है, तो वो बोल देते सच सच बोल देते, कोई इसको मजाक में समझता है, लेकिन है वो हकीकत है। और ये तो भगवान शंकर के समय से होता आ रहा है, क्योंकि पहले भी भगवान शंकर का जो बाल विनय था वो भी 6 महीने का था, 6 महीने बालक जो है उसने भूत योनि मनी हंत्या योनि में जन्म लिया और उसको भी भगवान शंकर ने नचाया है। तो वो भगवान उसके टाइम से होते आ रहा था, आज तो हम कलयुग में तो क्यों ना मनाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों में ज़्यादातर आछरी हर किसी घर में एक आदमी पे या लेडीज हो चाहे जेंट्स हो उस पर एक आछरी लगी रहती है। तो जैसे हम पहाड़ के जो आप लोग पहाड़ से देख रहे हैं आप लोगों को तो पता होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आछरी हो गया, वन देवी जैसे ऊपर जंगलों में जाते हैं तो वहाँ की लग जाती है, जैसे चोपता की लग जाती है, कालीसिला की लग जाती है, तो वहाँ की आछरी होती है वो लग जाती है। तो जैसे कि जो लोग जैसे पलायन कर देते हैं जो बाहर जाते हैं, तो अब मैंने ये भी देखा है कि जैसे जो देहरादून रहता है, एक सिंपल एग्जांपल है, देहरादून में भी लोग देवता नचाने बैठ गए। हाँ, तो जो यहाँ का होगा तो कहाँ जाएगा, वो तो दोष दान करेगा ही, चाहे वो अमेरिका बसे। हाँ, देवता तो वहाँ स्वप्न में भी जाएगा, उसको तो किराया देना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। नरसिंह भगवान है वो तो स्वप्न में जाएगा, साधु बन करके हैं चिमटा उसके स्वप्न में जाएगा, तो कहाँ है बेटे, जरा हमारा भी ख्याल रख। अच्छा, उसको तब चल ले चल। तो ससुर जी सारे इन देवी देवताओं के जो है नचाते हैं, जैसे आचरी हो गया, किसी का कुल देवी जैसे नरसिंह देवता हो गया, भैरव हो गया, नाग देवता हो गया, उनके हम गुरु ही मानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सभी चीज़ की विद्या इनको भगवान तुंगनाथ और माँ काली और तुंगनाथ बाबा की ने इनको जो जो शक्ति दी है वो इनके अंदर। ये चीज़ कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो आम है, कोई भी कर देता है, पर इसको करना बहुत टफ है। इतने 4-4, 5-5 घंटे देवता नचाना आसान बात नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो ससुर जी उसके साथ साथ अपना घर का जो स्वरोजगार है, घर का सारा काम है वो भी करते हैं, और
अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोगों को कि आज रक्षाबंधन पे ससुर जी ने क्या बनाया है, जो कि बाज़ार में 250 और 300 रुपये किलो बिकती है, जिसे जलेबी कहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा जलेबी, और चीज़ें हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा आज इनकी जो कला है उसको हम दिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं बस। तो ये देख सकते हैं, ये लगभग 4-5 किलो जलेबी होगी ससुर अपने हाथों से ससुर जी ने बनाई है। लगभग 1-2 किलो तो हम परिवार में ही खा लेंगे, परंतु 1-2 लोगों ने बोल रखा है, डिमांड दे रखी है कि हमें भी बनाना है, तो उनको भी देंगे। तो ये कला है, और जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए मैं ये कहूँगा अगर आप लोग जलेबी बनाना सीखें तो ये भी एक अच्छा रोजगार है ससुर जी। बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल अभी मैंने एक फ़ोन उखीमठ में किया था यहीं आसपास में, तो कह रहा था कि 2 किलो मेरे को भिजवाना। मैंने कहा भैया वो केवल अपने लिए बना रखी है, तो देखो डिमांड, और धीरे धीरे जब पता चल जाता है तो तब अपना काम जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ये कला है। तो और भी अभी हम बात करते हैं ससुर जी, और साथ में और ये जलेबी वगैरह और क्या क्या जानते हैं आप, जैसे घर में जो खाना वगैरह सारी चीज़ तो जानते ही हैं। खाना बनाना भी पड़ता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है बनाना पड़ता है, परिवार की कोई बाहर चले गई, कभी मेला में चले गई, कभी भाई के चले गए, कहीं लगे हैं, तो बनाना ही पड़ता है हर काम। सबसे पहले तो भोजन ही बनाना सीखना चाहिए, जो अपने पेट के लिए काम आता है, और फिर हर सब कुछ जो काम मिले हम करते रहते हैं। ऐसे सरमानंद के क्या सरमानंद में कोई वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम से अगर जो काम से भागेगा वो पीछे ही फिर है ना। तो वो मैं देखता रहता हूँ, सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के अपना काम जो दिनचर्या है वो करते हैं, है ना। तो साथ में ससुर जी, अब आजकल तो जैसे ये सावन चल रहा है, पूजा पाठ का दिन थोड़ा कम होता है, तो अब जैसे भादो लग गया है तो अब थोड़ा काम शुरू हो जाता है, अब थोड़ा डिमांड आने लगे डिमांड। अब धीरे धीरे आछरी नरसिंह देवता हो गया, क्या क्या भैरव, क्या क्या आप नचाते हैं, क्या क्या पूजा करते हैं अपने मुखारविंद सुखी बल देवी आछरी हंत्या सब नचाते सब चीज। अच्छा, इनका खुद का भी चैनल है, वहाँ पे भी विजिट करिए और देखिए पंडित इंद्र सिंह करके, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे आपको जो हमारी जो संस्कृति है पहाड़ी जो संस्कृति है, तो वहाँ पे उस चीज़ की जो वीडियो है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जैसे आछरी हो गया, वो सारी वीडियो उसमें मिल जाएंगी आपको। तो जैसे ससुर जी ये धीरे धीरे कम हो रहा है जो हमारी जो संस्कृति है ना, तो उसको लोग भूल रहे हैं, जो नए युवा हैं इसको भूल रहे हैं, पुराने लोग तो अब कम ही रह गए हैं। धीरे धीरे इसको जैसे आगे बढ़ाना है, तो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं, ऐसे चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐसा करके हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे। और हर कोई कलाकार इसको प्रयास कर रहा है, देखा है मैंने यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को चल रहा है, कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को चला रहे हैं। अब वैसे भी हम लोगों को तो ये काम करना ही पड़ेगा जो उत्तराखंड में बसे हैं, क्योंकि हम देवी देवताओं की भूमि में हैं। पहले तो हम नीचे के थे, जैसे कोई राजस्थान के थे, कोई मध्य प्रदेश के, तो सब यहाँ आकर के बसे हैं, तो उनकी भूमि में बसे हैं, तो उनके हिसाब से उनको तो धूप दीप ऐसे जलाना पड़ेगा हमको, और उनके नाम से ये वही देवी देवता यहाँ नाचते प्रकोप लेते हैं, नरों के ऊपर लेते हैं, प्रकोप होते हैं, आप हमें घुस जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम चोपता वैली ग्वाड़गांव में बैठे हुए हैं, और मौसम यहाँ की अगर बात करें तो बहुत सुंदर सा है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश करें। अब जैसे हम आछरी नचाते हैं तब बोलते हैं और तो अदुन्योडो या जानो बैनी आछरी जिटी बैना सीता होली काना सी कौसला डगड़ी छोड़ना तुमना दबा तो कोई दोआ दिवलो का दियान मैं ना मतलो का बोलो आछरी जनुई। अब एड़ी बोलो जगरा तो वे आ जा मेरा एड़ू
डाण्यो काठ्यो मागा रोंदा म्याराएड्यो थोपडो पाखण रोंदा म्याराएड्यो इजनी एडी बोल्छन् आर्खाम नरसिंह बोल्दा ए जागा दो वेराया म्यारा दुदा नारा सिंगा छोड़ छे निमा बोलिए बाबा लमला दो जा देवा ढगड़ी छोड़ना बाबा जोशी मठे थानो भक्त पारी लादे बाबा राम लियो दे नाम ये परला दो खातिर दरी नरसिंह आयो तारो हर दुधा नरसिंह बाबा नरसिंह आयो तारो ये तेरा संगारो ना बाबा कलो वाचिया हर चौरांगी बेरा परो दो गड़ी बीबावानी अलग अलग रूप होते, कई दिन काली होती है, कई कालशिला होती है, कई काली माता नाचती है, काली माता रहती है, केदारनाथ भूखंड भैरव भी नाचता है, तो भैरव का ही, हाँ भैरव का है, भैरव का भी, तो भैरव का है, ये जागा तो भैराया मेरा गोन्यालो का भैरो, ये चौरागी भैरव पहुलो गंगाड़ी भैरव, बोलो सामासानी भैरव अलग अलग देवता तो कोई उग्र रूप में काली माता बैठा दो परे बाजा देवी काली ओरे माता पहलो उता पाना दरी कलशिला भवानी देवी कलशिला भवानी ऊंचा कलशिला वेना सीधे त्याल लेनो जेती दे तो एना केना तति दे तमारीनो ऐसे हजारो दे तो केना मारी कडोलीनो वो देवी मारी कडोलीनो क्या बने हुए अच्छा हाँ जी देखो इतना इतनी चीज का ज्ञान है ससुर जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।